नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी ने न्यूजीलैंड द्वारा पाकिस्तान में सीरीज रद्द कर वापस जाने के बाद एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। सैमी का कहना है कि हमले तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में भी होते रहे हैं, उनको लेकर कोई हंगामा नहीं करता। सैमी ने दूसरी बार इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। पहले भी वह कीवी टीम पर हमला बोल चुके हैं। पाकिस्तान के चैनल जियो न्यूज से बातचीत करते हुए सैमी ने कहा कि मैं पिछले 6 साल से पाकिस्तान आ रहा हूं और मेरा अच्छा अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में हमले देखे गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी घटनाएँ सामने आई हैं। दुनिया में हर जगह घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई हंगामा नहीं करता। सैमी ने कहा कि स्थिति बदल गई है। पहले लोग पाकिस्तान जाने से पहले पूछते थे कि क्या यह सुरक्षित है। अब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कब जाना चाहिए और वहां जाकर क्या खाना चाहिए। बता दें कि सुरक्षा कारणों के चलते रावलपिंडी में वनडे से कुछ देर पहले न्यूजीलैंड ने दौरा रद्द कर वापस अपने देश लौटने का निर्णय लिया था। इसके बाद कीवी टीम की आलोचना कई लोगों ने की थी। डेरेन सैमी भी उनमें से एक हैं। वह PSL में खेलने के लिए पाकिस्तान जाते रहे हैं, इसलिए उन्हें वहां कोई सुरक्षा को लेकर खतरा नजर नहीं आता। हालांकि कहा जा सकता है कि हर टीम का खिलाड़ी के लिए खतरा होना ज़रूरी नहीं होता। सैमी के लिए वहां सब सेफ है, लेकिन कीवी टीम पर हमले का अलर्ट मिला और ये दोनों बातें एकदम अलग हैं। कीवी टीम के जाने पर पाकिस्तान के खिलाड़ी भी नाराज नजर आए और कहा कि हमारा देश सुरक्षित है। उधर PSL के अध्यक्ष रमीज राजा ने भी कहा कि हम इस मामले को लेकर ICC के सामने जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम किस दुनिया में जी रही है, जो भी हुआ वह निराश करने वाला था, लेकिन हम उनसे ICC में मिलेंगे। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।